नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल वीवीए मैक्रो फॉर एमआई सपोर्ट ऑटोमेशन। आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखा था और आपने बहुत सारे कमेंट भी किए, लाइक भी किए, इसके लिए थैंक यू। आज आपके सामने हम लेके आए हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे देते हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है वो होती है गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अभी मेरे पास एक जैन है, जो सेल जैन है वो दुबई से है, और मुंबई से हमारे एक शुभम कौशिक जी है, ये हमारी क्लासेस ले रहे हैं। तो एक गो टू मीटिंग्स की मदद से ये मेरे साथ ज्वाइन है, मुझसे लाइव बातचीत कर रहे हैं। देखिए, इनके हेडफोन यहाँ पे शो कर रहा है और वेबकैम के जरिए मुझे देख भी रहे थे, और मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के स्क्रीन पे लाइव टेलीकास्ट हो रही है। जैसे आपके पास वीडियो दिख रहा है, ऐसे उनके पास लाइव टेलीकास्ट हो रही है। तो एकदम क्लासरूम की तरह फीचर होता है। तो आप देखिए, आप जॉब किए कि किस तरह से ये शुभम और जैन मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। ओके, शुभम जी एंड कौशिक जी, शुभम जी एंड जैन जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन। आगे पढ़ने से पहले हम कंडीशंस को एक बार सीख लेते हैं। कंडीशन को सीखना इसलिए कंडीशन सीखने की बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमें, जैसे फॉर्म ही हमने बनाया था तो फॉर्म में हमने कंडीशंस लगाया था कि ब्लैंक हो तो ना हो, ब्लैंक के साथ ए हो। तो एक कंडीशंस पे ही हम अपनी जो भी हमारी परफॉर्मेंस है उसको हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम फॉर्म के ऊपर ही आपको जो है परफॉर्मेंस ये देना चाहते हैं। तो चलिए, एक फॉर्म जो हमने बनाया था। हाँ बोलिए। हाँ शुभम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जैन जी, मैं सुन पा रहे हैं आप? अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? अभी आ रही है आवाज? ओके, जैसे कि मैंने फॉर्म में यहां पे नेम दिया, नेम के साथ मान लीजिए मैं सिटी, सिटी के साथ मैं यहां पे एमआरपी, ये दो ही चीज देते हैं, अब बाकी तो देख लेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम फॉर्म में काम करेंगे ये चलिए हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं लास्ट क्लासेस में आपके डिस्कस किया था। अब इसमें कंडीशंस कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हमारा आज का टॉपिक है, समझ गए? तो सबसे मैं एक चीज में और ऐड करना चाहता हूं कि जब मैं सेंड करूं तो मैं डेट एंड टाइम दो चीज आना चाहिए, डेट एंड टाइम। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं अलग अलग डेट एंड टाइम के लिए। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग करते हैं यहां पे, डेवलपर, विजुअल बेसिक, इंसर्ट, मॉड्यूल्स, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट आर ब्रैकेट ओपन। तो हम ठीक है, मैं कोड कर लेता हूँ। डेटा शीट में जाना है, शीट्स, डेटा डॉट
रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट हाँ हेलो सुन रहा हूँ ऑफसेट डॉट वैल्यू चले आगे बढ़े, आवाज आ रही है सबको? चलो चले, तो यहां पे जाएगा हमारा डेट, ठीक है, और इसी पे हम डालेंगे। अच्छा ऑफसेट में हमने कुछ डाला ही नहीं, 1, जो भी हो। हाँ यहाँ पे मैं डालता हूँ ब्लैक, वन कॉमा जीरो डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.1 डॉट वैल्यू, और डेट के जगह पे यहाँ टाइम पर भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे डालेंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट में डालेंगे हम नाउ, और नाउ के अंदर डालेंगे हम HH/MM/SS। ये क्या करेगा कि सबसे पहले पहले कॉलम में तो हम पहले डेटा कॉलम में तो आपका डेट डालेगा, जब वो डेट जब वो मैंने सबमिट करेंगे उस समय डेट सिस्टम की डेट क्या थी, और फिर इसमें डालेगा आपको कि सिस्टम की टाइम क्या थी। तो ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब भी आप किसी से एंट्री कराओ तो उस समय इस चीज का डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाल देते थे। अभी डेट एंड टाइम हो गया, फिर नेम के लिए भी इसी लाइन को कॉपी करके इसी लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टू हो जाएगा, और यहाँ पे डेट जो है हमारा वो डेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेंज, और रेंज में हमारा हो जाएगा नेम, नेम कहाँ पे है हमारा, नेम है B3 में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम B3 डॉट वैल्यू। ठीक है, फिर इसे कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 में ये हमारा हो जाएगा B6। फिर यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा B9। ये हो गया। उसके बाद हम एक मैसेज दे देते हैं MSG बॉक्स, और यहाँ देते हैं
योर डेटा सेट या जो भी कीजिए, ये हमारा हो गया। और फिर रेंज हम यहाँ पे देते हैं, रेंज ए बी, हमारा बी, हाँ बी थ्री कॉमा बी सिक्स कॉमा बी नाइन डॉट क्लियर कंटेंट, राइट। मैं यहाँ पे एक बटन बनाते हैं और बटन पे इसको हम असाइन करते हैं, इंसर्ट बटन पे हम इसको असाइन करते हैं, आर आर एंड ओके, और यहाँ पे दे देते हैं सेट। तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए पूजा, यहाँ पे दिया मैंने सिटी दिल्ली, और यहाँ पे दिया हमने मारती कुछ भी प्राइस दे दी, और जैसे इसको सेट पे क्लिक करेंगे, अब एक एक छोटा सा एरर आ गया यहाँ पे, वही तो ऑफसेट सही तो है 1.0 डॉट, वैल्यू की स्पेलिंग गलत है, समझे, अभी बड़ा नहीं हुआ था, आप लोगों भी ध्यान देंगे, बताया नहीं, अब मैं गलत लिख रहा हूं तो आप लोग बताए, वैल्यू की स्पेलिंग गलत थी, ये डेटा है सेव, और फिर एक क्लीन भी हो गया। आप यहाँ पे देखिए एम आर पी नहीं किया, ऐसा यहाँ पे हम चेंज नहीं किए थे, यहाँ पे फोर हो जाएगा ना, तो मैं अगर दोबारा करूँ एक बार, इसलिए हमें एक बार करना होता है, पूजा सिटी में दिल्ली और एम आर पी हमने डाल दिया 7864। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ओके क्लियर, और डेटा सिक्वेंस। अब मैं इसमें जानना चाहता हूँ यूजर किसने सेव किया, तो क्या डाल सकता हूं, समझे, कि किस यूजर ने सेव किया, वो मैं यहां पे डालना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमें एक यहां पे वेरिएबल लेना पड़ेगा कि dim r as a string, स्ट्रिंग है, और फिर मैं यहां r इक्वल टू एक छोटा सा कोड होता है, मैंने काफी पहले इसको रन किया था, पता नहीं फिर रन होगा कि नहीं होगा, एन वी आई आर ओ एन, एन ई एन वी आई आर ओ एन, और इसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया यूजर ने, एक साथ डालना है अलग अलग डालना है, एक बार देख लेता हूं मैं, एक बार एफर्ट करता हूँ, डिवर्क पे जाता हूँ इस स्टेप इनफो, और मैं सिर्फ इसको चला के देखता हूँ रन हो रहा है नहीं हो रहा है, अगेन रन हो रहा है, और आर पे क्या वैल्यू, सुजीत, हाँ सही क्या, ठीक है। अब इस पे जो है इसको कॉपी करते हैं और नीचे इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं पांचवें नंबर पे इसके जगह पे आर देता हूँ, राइट। अब मैं एक बार और प्ले करता हूँ, नीरज सिटी में हमने कर दिया कलकत्ता, सिटी में आपकी जगह कानपुर, कानपुर, और हमने अमाउंट में एक नंबर डाल दिया और सेव पे क्लिक किया, ओके। यहाँ पे देखिए सुजीत से हो गया, क्योंकि मेरे सिस्टम का विंडो का जो यूजर नेम है वो सुजीत है, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाना चाहता हूँ, कंडीशंस लगाना चाहता हूँ, सबसे पहले कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि मेरा नेम ब्लैंक, इनमें से तीनों में से कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट, इन तीनों में से कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि हमारा यूजर जो है सुजीत होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि इसको सिर्फ सुजीत के पीसी पे ही रन किया जा सके, किसी और पीसी पे रन ना हो, राइट।
तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में करेंगे कि इफ, अब इसके लिए मुझे जो आपका ये है, ये जो कोड है, इसको मुझे ऊपर रन करना पड़ेगा कट करके। फिर कंडीशन देंगे कि इफ आर इक्वल टू सुजीत, अब एक प्रॉब्लम है यहां पे। प्रॉब्लम ये है कि बीवीए में कंडीशन जो होता है ना, वो आपका सेंसिटिव होता है। सुजीत में एस बड़ा ही होना चाहिए, अगर एस बड़ा नहीं है, छोटा हुआ है एस, तो मैच नहीं करेगा। तो इस केस में हम यू केस नाम का फॉर्मूला आप असाइन करेंगे, जो कि कन्वर्ट कर देगा इसको अपर केस में, और मैं यहां भी अपर केस ले देता हूं, तो मैच हो जाएगा। मैंने यहां बोला कि नॉट इक्वल टू सुजीत, देन क्या करें, अब इसमें एक जो है यहां पे एग्जिट सब। अब ये एक लिखने का तरीका ये है कि अगर यूके से सुजीत नहीं हुआ तो उसी समय एग्जिट कर देगा, वर्क नहीं करेगा, लेकिन कोई पता नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं सिंगल कंडीशंस एंड सिंगल रिजल्ट, कि हमने एक सिंगल कंडीशन लगाया यहां पे और यहां पे हमारा एक सिंगल रिजल्ट, तो उस केस में इसका यूज करेंगे। लेकिन मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस एंड सिंगल रिजल्ट है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इन तीनों ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे कि इफ, अब इसको और ज्यादा बेटर करने के लिए हाँ कोई बात नहीं, लिख सकते कि इफ रेंज B3 डॉट वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या है कि तीन कंडीशंस हैं, ये तीनों में से कोई एक नहीं होना चाहिए या तीनों भी नहीं होना चाहिए, तो हम यहां पे और के कंडीशन कर देंगे कि और फिर रेंज अगर वैल्यू है तो फिर इसी को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। B3 की जगह पे हमारा हो जाएगा B6, और फिर से कॉपी पेस्ट किया, ये हमारा हो जाएगा B9, देन एग्जिट। तो सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट, मल्टीपल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं अगर बात करूं कि सिंगल कंडीशंस एंड मल्टीपल रिजल्ट, कि मैं एग्जिट सम करना चाहता हूं, साथ में एक मैसेज भी देना चाहता हूं, तो यहां पे इसको तो यहां से लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा और यहां पे मैसेज देना पड़ेगा कि MSG बॉक्स प्लीज रन दिस माइक्रो ऑन सुजीत पीसी, और फिर आपको फिर यहां पे आपको एंड इफ लगाना पड़ेगा। जहां पे मल्टीपल रिजल्ट की बात आई वहां पे एंड इफ लगाना पड़ेगा, भाई ये मल्टीपल लाइन में हो जाता है। अगर एक सिंगल कंडीशन सिंगल रिजल्ट है तो उसको आप मल्टीपल कंडीशन सिंगल कंडीशन, लेकिन आपके रिजल्ट आपका सिंगल है, तो इसको आप जो है एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो अभी तो कुछ नहीं, अभी देखें कुछ नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहीं पे माइक्रो को खत्म कर देता है, एंड कर देता है, एग्जिट सर का मतलब ये हुआ। लेकिन मैं यहां पे मल्टीपल कंडीशन है मल्टीपल रिजल्ट देना चाहूं तो भी आपको हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा MSG बॉक्स और यहां पे देना पड़ेगा कि प्लीज डू नॉट लेफ्ट ब्लैंक एनी सेल या फिल, जो भी मैसेज देना चाहो मैसेज दे दो, और फिर यहां पे कर देते हैं राइट। तो अब क्या होगा कि आपको एक मैसेज देगा,
तो एंड यहाँ पे हमने आपको बताया कि हम जब कब हम एंड इसका एंड इफ का प्रयोग करेंगे लाइन ब्रेक करके, ये समझ में आएगा शुभम कौशिक जी? ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्स का, कि हम एल्स का यूज कैसे करेंगे। अभी क्या हुआ कि मैसेज बॉक्स में आपने देखा कि जस्ट आपको एक कंफर्मेशन देता है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझसे पूछे कि डू यू वांट टू, जैसे मैं अगर हम सी डिलीट करता हूं तो सी डिलीट करते समय मुझसे कंफर्मेशन पूछा जाता है ना, डू वांट टू डिलीट, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं तो सी डिलीट होता है, कैंसिल पे करता हूं तो डिलीट नहीं होता है। तो गलती से सेव पे क्लिक, जी क्या बोल रहे? हाँ, अब मैं डिस्प्ले तो चीज अलग है, मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा पॉपअप अपने मैक्रो में बनाना चाहता हूँ, कभी मान लो काम करते करते गलती से क्लिक हो गया तो फिर से वापस ये तो छोटा फॉर्म है ना, मान लो कि जहां पे 200-300 फील्ड का फॉर्म है और गलती से सबमिट पे क्लिक हो गया आपका या एंटर प्रेस हो गया तो फिर चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कंफर्मेशन दे ताकि हम वहां पे यूजर स्टॉप कर सके, यार गलती हो गई या रियल में या फिर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इस तरह की चीजें के लिए। तो ऐसे फीचर हम ला सकते हैं, उसके लिए हमें एक इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा कि डिम आर भी होगा, या तो आर ऑलरेडी है एम एज ए इंटीजर, ठीक है, एम एज ए इंटीजर, और फिर यहां पे मुझे करना पड़ेगा कि एम इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, और फिर यहां पे देना पड़ेगा डू यू वॉन्ट टू सेव, एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा यूजर से, उसके बाद इसमें आपका आएगा टाइप ऑफ की क्या क्या, ओनली फिर ओके होता है ना, तो यहां पे सिलेक्ट कर देते हो कि मैसेज बॉक्स में बटन क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला कि बटन जो होना चाहिए यस एंड नो, कि मैं यहां पे यस एंड नो सेलेक्ट कर लूंगा, और ऊपर टाइटल है तो उसमें टाइटल दे दूंगा कि प्लीज कंफर्म, तो ऊपर में आता है। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास पॉपअप पूछेगा, लेकिन वो पॉपअप के अकॉर्डिंग हमें यहां पे करना पड़ेगा कि इफ, देखिए अगर वो यस पे क्लिक करेगा तो VVS होगा अभी वैल्यू, एम की वैल्यू, और नो पे करेगा तो VV नो होगा, एक तरह के कोड है जैसे ट्रू एंड फॉल्स होता है ना उस तरीके से। तो मैंने बोला कि इफ एम इक्वल टू VV नो, ठीक है VV नो, देन हमने बोला यही पे एग्जिट सब मैक्रो को बंद कर दे, राइट, और फिर इसमें हमने एल्स लगाया, और एल्स में else लगाया, और else में मैंने बाकी चीजें दी, तो ये इस तरह से हुआ कि, या फिर हम अगर कंडीशन उल्टा कर दे, हम कर दे VV yes, तो इसका यहां से कटना पड़ेगा, इसको हटा, यहां पे else यहां पे नहीं होगा, फिर ये else नीचे हो जाएगा एंड इफ के ऊपर, कि else एग्जिट सब, राइट। तो इसमें दो पार्ट हो गए कि अगर क्राइटेरिया ट्रू हुआ तो क्या होगा, और एल्स हो गया कि क्राइटेरिया फॉल्स होगा तो क्या होगा। तो इफ को एल्स ही किसी को कहते हैं ना, कि एल्स के साथ इसको हम कैसे लगाते हैं, जो आपके पास एक ही क्राइटेरिया, मतलब कि इवेंट आपके पास, मतलब कि आपकी क्राइटेरिया में हो कि भाई क्लिक होने पे करना है, क्लिक होने पे नहीं, मतलब कि एक काम पहला का यह कंडीशन ट्रू हुआ तो फलाना काम करना है, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर फलाना वो काम करना है, तो आप एलसी भी इस्तेमाल करोगे। लेकिन मैंने ऊपर तो एलसी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने क्या किया कि मुझे मेरा क्वेश्चन क्या था कि जब यूजर नेम सुजीत ना हो तो सुजीत ना हो तो मुझे इसको स्टॉप कर देना है, एग्जिट कर देना है, मेरे पास एक ही काम था, दो काम नहीं था, इसलिए मैंने इसमें एलसी का इस्तेमाल नहीं किया, राइट। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो काम है कि अगर VVF हो तभी मुझे करना है, अदरवाइज उसको एग्जिट कर देना है,
तो हमने यहां पे एस इफ का इस्तेमाल किया, राइट। अब मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया पूजा सिटी पुणे और एमआरपी में हमने नंबर दे दिया, और जैसे सेट पे क्लिक करूंगा, एक मिनट, टाइप मिसमैच, एक मिनट मिनट बी नाइन वैल्यू, ओके हाँ, यहाँ पे हमने जीरो कंडीशन नहीं लगाया, क्या बात है, खाली गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, कंडीशन दिया ही नहीं, समझ गया, कंडीशन देना पड़ेगा ना, तभी टाइम मिसमैच आ रहा था ना। आप सेव पे क्लिक करो, पूछ रहा है ना, अब देखिए प्लीज कंफर्म, मैंने टाइटल डाला था, टाइटल यहाँ पे आ गया, जो हमने क्वेश्चन पूछा था डू वांट टू सेव, यहाँ आ गया, और यस एंड नो, यस पे क्लिक करूंगा डेटा को सेव करेगा, नो पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, जैसे यस पे क्लिक करूंगा एंड डेटा को सेव करके आ गया ना, डेटा सेव, और यहाँ पे आपको ब्लैंक हो गया और डेटा आपके यहाँ पे सेव हो गया, राइट। तो इसी तरह से हम और भी प्रोजेक्ट्स अपने कर सकते हैं जब आप अपने ऑफिस में जाओगे। तो आज मैंने आपको इफ और इफ के क्राइटेरिया एंड एल्स इफ के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ और इफ के बहुत सारे क्राइटेरिया एल्स इफ के बारे में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस पे और ज्यादा काम करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी मिस्टर शुभम कौशिक एंड जैन ने मुझसे क्लासेस लिया, तो आप भी मेरे साथ ऐसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, फ्री री ज्वाइनिंग की फैसिलिटी मिलेगी, हर डेटा एंड फाइल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए बुक्स मिलेगा, हर चीज आपके सामने अवेलेबल होगा, मेरी पूरी तरह से एफर्ट होगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप तो वीडियो देखते ही हैं, यूट्यूब पे वीडियो जो है प्रमोशनल वीडियो होते हैं, वो वीडियो हमारे कंप्लीट कोर्स की वीडियो नहीं डली हुई, हमने कुछ प्रमोशनल छः सात सालों में कुछ प्रमोशनल वीडियो ही अपलोड किए हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लें और हमारे साथ एक एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग लें। क्लासेस लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पर जाएं, वहां पर अपने डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें, या कोई प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन पर नंबर है उस नंबर पर कॉल करें, और हम लोग डेमो क्लासेस का भी फॉर्म देते हैं शुरुआत में, जो कि आप सेलफोन से अपने सिस्टम से सबसे ले सकते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए, अच्छा लगा तो आगे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो क्विट कर जाइए। और हम लोग डीवीडी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे लिए आप डीवीडी भी ले सकते हैं, तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.iptindia.com विजिट कीजिए, वहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।